तो आखिर वो क्या रीजन था जिस वजह से स्पाइडरमैन नो वे होम की एंड में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने मैजिकल स्पेल कास्ट किया तब वेनम और एडी ब्रॉक तो अपनी यूनिवर्स में वापस पहुंच गए, पर वेनम का एक छोटा सा पार्ट वहीं एमसीयू यूनिवर्स में ही रह गया। तो इस बात का जवाब भी हमें वेनम से ही मिलेगा। असल में वेनम एक डार्क मैटर बीइंग है जिसे गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल ने बिग बैंग से भी पहले क्रिएट किया है, और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज एक ह्यूमन होने की वजह से लाइट मैटर बीइंग है जिनका कास्ट किया गया स्पेल या फिर मैजिक भी सिर्फ लाइट मैटर बीइंग्स पर ही अप्लाई होता है, और इसी वजह से मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल कभी वेनम पर अप्लाई हुआ ही नहीं। लेकिन क्योंकि वेनम एडी ब्रॉक से बॉन्ड था इसीलिए मैजिक एडी ब्रॉक पर अप्लाई हुआ और वो एमसीयू यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया, और क्योंकि वेनम एडी ब्रॉक के अंदर था इसीलिए वेनम भी टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन जब अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबको वापस भेजने का स्पेल कास्ट किया तब उस दौरान वेनम ने अपने एक छोटे से हिस्से को एडी की बॉडी से बाहर निकाल रखा था जैसा वो अपनी मूवीज के अंदर अक्सर किया करता था, और इसीलिए जितना हिस्सा एडी के अंदर था वो तो टेलीपोर्ट हो गया पर बचा हुआ बाहर का हिस्सा वही रह गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर इस टॉपिक को अच्छे से जानना हो तो चैनल में जाकर कंप्लीट वीडियो देख लेना, लिंक कमेंट बॉक्स